सबको मेरा प्रणाम। प्राणायाम कब करें और कहाँ बैठकर करें, इस पर आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, प्राणायाम करने का जो सही समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह का समय। सुबह के समय प्राणवायु अपनी शुद्ध अवस्था में रहती है और सुबह के समय हमारे लंग्स भी पूरे एक्टिव मोड पर रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन शुद्ध रहती है। तो आप सुबह के समय प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम शांत चित्त से करें, शांत मन आपका रहे। कोई विचार यदि आए आपको तो उसे आने दें, उस विचार से आप अटैच ना हो। आंखें बंद करके या आंखें खोलकर दोनों तरह से प्राणायाम आप कर सकते हैं। प्रारंभिक स्थिति में यदि आंखें बंद नहीं कर सकें तो आंखें खोलकर कर लें। धीरे धीरे अभ्यास होने से आंखें बंद करके जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा हमारी जो आंखों से बाहर की ओर वेस्ट होती रहती है और मन चंचल रहता है। आंखें बंद करते ही हमारा मन भी स्थिर होने लगता है और शरीर में ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है, ऊर्जा का व्यय नहीं होता। तो प्राणायाम का अभ्यास जब आप करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा जागृत होती है। उस ऊर्जा को सही व्यवस्थित शरीर में रखना है हमें, तो उसके लिए आंखें बंद करके करेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त है। नहाकर प्राणायाम का अभ्यास करें, सुबह स्नान कर लें। प्राणायाम करने से पहले तो आप ज़्यादा तरोताज़ा फील करेंगे, हल्कापन फील करेंगे, क्योंकि नहाने से हमारे शरीर और मन दोनों में फ्रेशनेस आ जाती है, एक ताजगी आ जाती है। तो स्थिर होकर शांत मन से करें प्राणायाम और साफ सुथरी जगह पर बैठकर करें। अगर आप अंदर कमरे में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो अपने विंडो को खोल दें, वेंटिलेशन होना चाहिए। सुबह के समय ऑक्सीजन अच्छी प्रकार से आपको प्राप्त होनी चाहिए ताकि पूरा दिन आप चार्ज हो जाते हैं और उस ऊर्जा को आप अपने दैनिक कार्यों में उपयोग कर पाते हैं। तो आपको यदि सुबह के समय टाइम नहीं मिल पाता तो कुछ लोगों ने पूछा कि शाम के समय भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं शाम के समय भी। शाम के समय संध्या काल जब सूर्य अस्त हो रहा है उस समय आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और दोपहर का जो भोजन का समय है उसमें थोड़ा सा गैप रखें, लगभग 3 से 4 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। और शाम के समय आप हल्के प्राणायाम करें, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भस्त्रिका का प्राणायाम धीरे धीरे करें, जो है कपालभाति का अभ्यास शाम के समय ना करें। तो इन बातों को आप ध्यान रखें, स्वच्छ साफ सुथरी जगह पर बैठ कर प्राणायाम करें, मन एकाग्र करके प्राणायाम करें, आंखें बंद करके प्राणायाम करें, तो आपको प्राणायाम का पूरा लाभ मिलेगा। प्राणायाम अपने आप में अद्भुत है, बस आप उसको सही विधि से करें, आपको आश्चर्यजनक लाभ होगा, आपको आनंद मिलेगा जीवन में। ऐसी ही कुछ जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे। आप सबके लिए बहुत शुभकामना। ओम। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।